हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में कुछ बस इसी तरह मैंने शुरुआत कर दी है। बस अभी मैं सोकर ही उठा था तो मैंने कहा आज व्लॉग बना लिया जाए। भाई मतलब आज से तीन दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। आज तारीख है 12 है। तो आज से 3 दिन बाद 16 को मेरा एग्ज़ाम है। और भाई कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, भाई कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा। चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो भाई जिस रूम में मैं पढ़ाई करूँगा वो रूम बहुत गंदा हो रहा है, तो मुझे पहले उस रूम को साफ़ करना पड़ेगा। तो भाई रूम की हालत देखिए, सुबह ही सारा अस्त व्यस्त हुआ है। मैं यहीं सोया था, मैंने सारी बेड शीट निकाल दी थी, फिर जब मैं उठा था मैंने सब धोने के लिए डाल दिए। तो अभी करते हैं रूम की सफाई, सब कुछ करते हैं सेट। 15 मिनट लगे मुझे सफाई करने में, हो गई सफाई। तो अब मैं सोच रहा था थोड़ा पढ़ लूँ, पढ़ाई करूँ या पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अभी। चेक करिए आप, बस तैयार है, मेरा टेबल भी तैयार है, मेरी बुक भी तैयार है, बस मुझे पढ़ना रह गया है। मैं सोच रहा था लैपटॉप से पढ़ूँ, पर मुझे पता है अगर मैं इन सब चीज़ों की तरफ गया तो मेरा ध्यान भटक जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। चल भाई इसको तो रखो साइड। पता है मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो मेरा ध्यान भटक ही जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं पढ़ूंगा इंग्लिश। एक गाइड भी मेरी नहीं है, ये मैं लेके आ गया था, बस निकाल दी थी मैंने किसी के बैग से, सच बताऊँ तो। चलो तो यार मुझसे पढ़ाने जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ। तो मेरी बहन का मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ उसका, तो अब मैं जाता हूँ उसके घर, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ इंग्लिश का, हो सके तो हिंदी का भी ले आऊँगा। फिर उसमें थोड़ा मुझे मतलब पता लग जाएगा ना किस टाइप का पेपर आएगा, क्योंकि उनके पेपर हो चुके हैं, उनका CBSE बोर्ड है और मेरा UK बोर्ड है। तो थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हो किस टाइप का है, उस हिसाब से मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। चलते हैं मानसी के घर। तो हम आ चुके हैं अपनी बहन मानसी के घर। पर मानसी अब ऐसा बोलिए पेपर नहीं मिला, हिंदी का ही मिला, तो हिंदी का ही तो दे दे, इंग्लिश भी ढूंढ यार, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 इतने पन्ने क्या करेगी इसका। और एक चैन लग गई थी मेरे साथ फोटो, इसने बहुत सारे फोटो खिंचाए मेरे साथ। आज बड़े दिनों बाद आए ना, मैं तो टाइम ही मिलता आने का, बड़ा बिजी आ गया बहुत ज़्यादा भाई। अभी तो मैं था अपनी बहन के घर पेपर लेने गया था, तो अब मैं आ चुका हूँ डॉक्टर के पास। ताई की थोड़ी तबीयत खराब थी, ताई को डॉक्टर के पास लिखाया, तो देख लो भाई ताई को डॉक्टर के पास ले चलो, मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ। तो ताई आने वाली होगी, 10 मिनट तो हो गए, ताई आई नहीं अभी तक। तो फाइनली ताई भी आ चुकी है, चलते हैं घर की तरफ, पढ़ने की कोशिश कर लेंगे थोड़ी। मैं घर पहुँच चुका हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे मुझे जाने दें। खाली लगे फिर आपसे दोबारा, बाय बाय। कुछ कहना चाहोगे, हम पास कैसे हुए, कैसे पढ़े इतने सारे क्वेश्चन, नोटबुक वाइज के लेके जा रहा हूँ मैं, मेरे पे नोटबुक भी नहीं है, बाय बाय। तो मैं आ चुका हूँ घर, घर में कोई भी नहीं है। तो भाई अभी तक मैं पढ़ रहा था ना, कितने अच्छे से पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा, तुम ही बताओ पढ़ रहा था। अब ये देखो आ गए जी महाशय। यार मैं ये ले जाऊंगा यार, उससे जरा कोई लेना देना नहीं, मुझे भी लगा था वो काम का होगा, पर वो सीबीएसई बोर्ड का बोलते रहो। अब भाई देखो ये आ गया, अब होगी पढ़ाई, आप जब से ब्लॉग बना रहे हैं आगे पढ़ रहे भाई, कितना एक पेज और लिख दिया मेरे को, कितनी बार लिख दिया मेरे, एक आंसर ये तो कल का दिखा रहा है, तारीख डाली है आज की 13 तारीख, आज है 13। खुद तो इसने पढ़ना नहीं ना मुझे पढ़ने दे रहा, मैं आता ही कहूँ तेरे पास यार, आज ही तो आया देख लो, घर में पढ़ता है ये रोज छुप छुप के, नहीं रोज पढ़ता है रोज, इतने दिन से आ ही नहीं रहा है। पर भाई समझ में कुछ नहीं आता, रोज पढ़ता हूँ। तो भाई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, पढ़ तो रहा हूँ यार, पर इंग्लिश का गड़बड़ लगता है मुझे यार, बाकी में पास हो जाएगा, बाकी में तो पास हो जाऊंगा, पर यार इसमें बाकी में पास हो जाएगा। भाई मुझे सही बताऊँ तो भाई मुझे ना 4 विषय में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसे मेरा सबसे कठिन है तो इंग्लिश है, बस इंग्लिश में मार खा रखा है यार। देख लो भाई मुझे तो डर लग रही है, मैं इकोनॉमिक्स में कैसे हो, सोशियोलॉजी में कैसे हो, इसे चारों में दिक्कत ही नहीं है, बस इसको इंग्लिश की टेंशन है यार। इंग्लिश में मैं याद तो कर लूँ तो फिर उसमें ना
फिर स्पेलिंग याद करो। मैं इसकी इंग्लिश बहुत वीक है, फिर इंग्लिश से याद भी कर लेता है, फिर इसे स्पेलिंग याद नहीं होती। मैं खुद 4-5 बार लिखा, मैंने एक आंसर तक जाके मुझे याद हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ूंगा रट्टा मारूंगा मुश्किल है। मैं 10 बार तो याद करूंगा और 20 बार उसकी स्पेलिंग याद करूंगा, फिर भी याद नहीं होगा। मुझे थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा दुख हो रहा है यार ये। तो गाइस मैं कुछ नहीं, मुझे पता है पेपर में क्या करना है, तो मैं पेपर में कुछ ना कुछ करके आऊँगा। तू बता भाई क्या करना है पेपर में, तू बता। वहाँ के वर्ड वहाँ पलट दूंगा, वहाँ के वर्ड वहाँ पलट दूंगा, साफ सीधी बात। ये सब कुछ पलट के आएगा भाई, तो ये पास भी पलट के ही ना हो जाए। ये पास भी पलट के ना हो जाए मुश्किल भाई, हो जाएगा यार, ऐसी बात नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ मेहनत कर ले, मेहनत कर तो यार मैं। तो भाई ये अपने भगवान जी के भरोसे हूँ, मैंने सुबह से 2 बार हाथ जोड़ लिए और अभी 3री बार हो गया। मैं कर तो रहा हूँ मेहनत यार। अच्छा तो भाई समोसे वगैरह सब खा लिए, पेट हो चुका है बिल्कुल फुल, और अब मुझे पता है नींद आनी है, अब तो खाने के बाद नींद आती है, और गर्मियों का टाइम आ गया है तो नींद ही आएगी मुझे, पढ़ूंगा तो शायद मैं मुश्किल ही। और अब ये भी जा रहा हूँ मैं तो भाई, ये भी घर जा रहा है भाई, क्योंकि भाई अब जाऊँगा पढ़ूंगा लिखूँगा। पर यार मैं कह रहा हूँ कल यार मैं तेरे पास इंग्लिश पढ़ने आऊँगा पर यार, ठीक है भैया मेरे पास इंग्लिश पढ़ना आएगा घर के कामों से ना, तो छुटकारा पाई नहीं होता ऐसे कुछ यार। ये बात तो सही है, मैं चाहे राय वाला में होऊंगा ना तो मुझे शाम को यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, ये तो पक्का है भाई। यार मैं पहुँच जा रहा था घर और मम्मी ने बोल दी कि घास कटाओ, अब जा रहा हूँ मैं अपने खेत में गौशाले में घास कटाने। भाई एक बार कमेंट करके बताओ बछड़ा क्या लगता है तुम्हें, बछड़ा लगता है या गधा लगता है या सूअर सा लगता है? कहाँ जा रहा तू, कहाँ जा रहा अभी? कहीं बाय मंगल, बाय। कहीं जा, ये क्या कर रहा है यहाँ बैठ के? क्या मूली खा रहा है? अच्छा मूली खा रहा है, मुझे लगा एमरजेंसी हो गई थी तुझे। तो गाइस ये मूली पके हुए मूली है, देखते हैं इसका स्वाद कैसा होगा। पत्ते गाय के घास का काम है क्या काम? नहीं ये पत्ते का सब्जी बनाता है, ये बनाएगा कुछ जी। तो जिस टाइम ताजी थी मतलब अभी बहुत ओवर टाइम हो गए इनका ना, लेकिन टेस्ट का पता चलेगा, टेस्ट का पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब है जिस टाइम मतलब अब ये काफी टाइम पहले लगाई थी ना, जब उगने लगती है ना जमीन में उसी टाइम इसके पत्ते तोड़ दीजिए तो आपकी सब्जी बनती है अच्छी। अभी कड़वा हो गए हैं इसके ऊपर ये फूल आ गए हैं ना, तो अब कड़वा हो गए हैं, कड़वा भी नहीं होगा। मतलब आईलाइनर वगैरह लगा के भूसा क्या मतलब है? आज मतलब आ रहा गुस्सा आ रहा होगा ना आज? क्यों आ रहा गुस्सा? क्योंकि आज पत्ती पत्ती हटा दी उसमें। तो भाई हम आ गए थे खेत से सारे काम वगैरह करके, अब मैं वैसे मेरे काम आज कुछ किया नहीं, आज घास ही काटा मैंने बस, और तो कुछ नहीं करा। तुझे मतलब ना 2 घंटे हो चुके हैं मतलब ना, टाइम तो हो चुका है 4 बज चुके और मैंने बस खेत में घास ही काटा है। बाकी हम मस्ती कर रहे थे थोड़ा मोहन के सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे थे, ये झाड़ियों के बीच में बैठा होता है गाइस, झाड़ियों के बीच में राजनीति में प्री बोर्ड में 80 नंबर का पेपर होता है, तेरे कितना है? 80 में से 90 आए मैं, इंदिरा गांधी ने उल्लू बना दिया 8 नंबर। गाइस 3 सीट भर के आए थे राजनीति के पेपर में 3, और आए इसके मार्क्स 8। भाई सर को पता है, ठीक है ना, सर को पता है भाई बंदा अच्छा लिखता है, इसको अगर मैंने 0 नंबर दिए तो आगे जाके और ऐसे ही हो रहा है, मेहनत कर रहा है भाई ये, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा नंबर लेके आएगा। नहीं यार, ज्यादा नंबर लेके जा सकता है। तो भाई मोहन तो चल गया है अब घर, 4 बजे गया है, 4 बजे आया कितने 2 बजे आके गया वो 4 बजे। तो वैसे मैं बैठा था पढ़ाई करने के लिए, मैं बैठा था पढ़ाई करने के लिए और वो एक आंसर याद हुआ मुझे अभी तक, और अभी तक पढ़ा लिया मैंने कुछ, समझ नहीं आ रहा यार मेरे साथ ही क्यों होता है सर, मैं ही क्यों। वाह मजा आ गया भाई, ये बहुत पसंद भाई मुझे, बहुत बहुत पसंद। तो भाई अभी हमने परीक्षा में चर्चा करी, अभिषेक भाई आ गया था तो पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं खैर। तो अभी मैं आया था खेत की तरफ, तो यहाँ पे भाई हमारे लौंडे खेल रहे हैं, तो उनको दिखाते, और ये यहाँ पर इनका वॉलीबॉल चलता हुआ,
भाई भाई बोलो टाइगर बन गया भाई, बोलो टाइगर बन चुका है यार ये देख रहे हैं। ऐसे शॉट कोई मारता है? देख अगला शॉट देख, टप्पा भाई टप्पा। तो भाई आज बहुत दिन बाद मेरा बहुत पुराना मित्र मुझसे मिलने आया है। कितने साल बाद मिल रहा है? दो तीन साल बाद मिले भाई। वैसे कभी चलते फिरते मुलाकात हो जाती थी, बड़े मतलब 3 साल बाद ये मेरे घर में आ रहा है। इस बार तो होली भी नहीं मना पाए भाई। होली में भी इतनी मिले, अब बहुत कम मिलते यार, क्योंकि इसका स्कूल अलग मेरा अलग, तो ऐसे ही हो गया। बोर्ड भी चल रहे थे, पेपर भी चल रहे हैं, और ये मेरा भाई भाई ये सोच रहा है मैं पढ़ रहा हूँ मेरी कॉपी किताबें बंद है, ये सोचता है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ये पढ़ रहा, हम दोनों सोचते हैं भोलू पढ़ रहा। ये चेतन ने इतना पागल बना था, ये हमें बोलता है मैं पढ़ता नहीं, माँ कसम खा के कह रहा, पूरी पूरी जो क्लास है ना हमारी, जो हम क्लास में बैठते हैं जिस रूम में, वहाँ ये सबसे ज़्यादा सीट लेता है, ये चार चार सीटें भरता है। ठीक है, इससे ये पूछो कि भाई चार चार सीटों पर क्या करा, तो ये पता क्या कहता है, दो स्केल की जगह इधर से छोड़ी, दो स्केल की जगह इधर से छोड़ी, अब बीच में खुला खुला दो दो पेंसिल की जगह छोड़ छोड़ के लिखते रहो। मैंने कहा जगह छोड़ने के नंबर थोड़ी ना देते होंगे, जगह छोड़ने नंबर थोड़ी देते हो आदमी। देखा तो भाई क्लास में दीक्षा के बाद इसी का नंबर है, दूसरा कोई आया नहीं था। भाई हमें भी तो बताया ना कि ऐसे खुला खुला क्या करता है भाई। मैं खुला खुला लिखता हूँ, मैं समझ नहीं पाते, सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, पता नहीं कि झूठ ही बोल रहा हूँ। टेक्निक है भाई, टेक्निक है भाई वो। तुम भी ऐसे क्या करो, तुम समझे नहीं, 2 इंच इधर लाइन खींचा कर, 2 इंच इधर खींचा कर, और मैडम ने भी 2-2 इंच नंबर इधर से काटे, 2 उधर से काटे, ऐसा नहीं करता भाई, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार। एग्जाम के चक्कर से मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, मेरा घर पे ही हो रहा है। तो मैं सोच रहा था वीडियो वगैरह बंद कर दूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि यार फिर इसमें इतनी मेहनत करिए तो सारा वॉच टाइम वगैरह सब घट जाता है। मैंने वीडियो में देखा था ऐसा कुछ बता रहे थे, तो शायद मैं पेपर जब तक पेपर से, तो ऐसे अपने आसपास के व्लॉग बनाते रहूँगा, होम में ही बनाते रहूँगा, पर रुकूँगा नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा कि बनाते रहूँ। बीच में हो सकता है 2-4 दिन का गैप हो जाए, पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर दूसरे दिन आपको आपके पास व्लॉग आते रहे, नए नए कंटेंट आते रहे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।